भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद कर दिया। पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों के उम्मीदवार तय कर दिए गए। आपको बताते हैं यूपी की उन 51 सीटों पर भाजपा ने किन चेहरों पर दाव लगाया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, जो वाराणसी से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। इसके बाद कैराना से प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर संजीव कुमार बालियान, नागौन से ओम कुमार, रामपुर घनश्याम लोधी, संबल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह, मथुरा से हेमा मालिनी, आगरा से सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहर, वहीं एटा से राजवीर सिंह, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर, खीरी से अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा से रेखा वर्मा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश रावत, मिश्रिक से अशोक कुमार रावत, उन्नाव में साक्षी महाराज, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, फरक्काबाद से मुकेश राजपूत, इटावा से राम शंकर कठेरिया, वहीं कन्नौज में सुब्रत पाठक, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले, जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी में अनुराग शर्मा, हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा से आरके सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति, वहीं बाराबाकी से उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद में लल्लू सिंह, अम्बेडकर नगर में रितेश पांडे, श्रावस्ती में साकेत मिश्रा, गोंडा में कीर्ति वर्धन, डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल, बस्ती में हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर में प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज से पंकज चौधरी, गोरखपुर से रवि किशन, कुशीनगर में विजय कुमार दुबे, बांसगांव में कमलेश पासवान, लालगंज से नीलम सोनकर, आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ, सलेमपुर में रविंद्र कुशवा, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह, चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे उम्मीदवार शामिल हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले लोकसभा में क्या बीजेपी का ये दाव सीधा पड़ता है या फिर कहीं कुछ कमी रह जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।